तीसरे कार्यकाल में, क्योंकि आपकी कोएलिशन सरकार है, क्या आपके ऊपर कुछ दबाव है? इस बार बजट बनाते वक्त निर्मला सीतारमण क्या सोच रही थी? आपने बिहार के लिए और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश के लिए सॉप्स भी दिए हैं, आपने फार्मर सॉप के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, तो क्या पहले से कुछ फर्क हुआ है, कुछ बदलाव आया है कि इस तरह का भी एक रोल बैक सरकार का भी आप लोगों के लिए कहा जाता है कि आप लोग कुछ करते हैं फिर रोल बैक कर देते हैं, तो किसी तरह का कोई दबाव है क्या? मैं ये समझना चाह रहा था। मुझे नरेटिव सेट करने वाले और उसके आगे बढ़ाने वाले उसमें एक आध मीडिया के लोग भी हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं उस बात को। मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाने के लिए ऐसे एजेंडा सेट करने वाले तो पूरे उनके परफॉर्मेंस हाई लेवल पर है। नरेटिव सेट करो फिर सरकार उसको एक्सप्लेनेशन करते जाएगी या डिफेंड करते जाएगी, ये तो चल रही है और बेबुनियाद बहुत सारे नरेटिव आ रही है। इसमें ये एक यू टर्न का मामला भी हुई है जी। यू टर्न कहाँ हुआ? मेरे मंत्रालय के विषय में मैं बोल रही हूँ। जब हर बजट के समय पर पिछले 5 बजट्स में बजट पेश करने के बाद पूरे देश भर घूम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, टैक्स एक्सपर्ट्स हो, इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सबसे बात करके पेश किया हुआ बजट के ऊपर सुझाव ले आ करके ट्रेजरी अमेंडमेंट्स हम करते थे, जिससे मुझे याद है, बिल्कुल याद है, एक बार शुरुआत में लोग हमसे पूछते थे ये क्या है, अभी ही बजट पेश हुआ और रिसेस के बाद सेकेंड सेशन शुरू हो रही है बजट का, उस समय आप इतने सारे अमेंडमेंट्स ले आ रहे जी। मैं डिफेंड भी किए अमेंडमेंट्स इसीलिए ले आ रहे हैं, सुझाव जनता से जब आता है हम उसको अपनाते हुए उसको करेक्शन के रूप में ले आ रहे हैं। ये इंडेक्सेशन के मामले में, कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन के मामले में हमने जनता का आवाज सुनने के बाद, ऑल्दो पहले जब ले आए पूरे कंसल्टेशन के बाद ही ले आए जी, हर असेट क्लास को एक जैसे ट्रीटमेंट देना है इसीलिए ले आए जो प्रस्ताव था, मगर जब सुझाव आए हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी रखा जी। और बजट में जो ऑप्शन हमने ले आए, क्योंकि हर एक असेट क्लास को एक ही जैसे ट्रीटमेंट के लिए, उसको भी रखा और चॉइस दिया एसएससी को कि आप इन दोनों में वर्कआउट करो और जो आपको कम लगता है वो उपयोग करो। ये थोड़ी ना यू टर्न है। नो, गवर्नमेंट हैज यू टर्न, दिस इज नॉट यू टर्न। आई एम अकोमोडेटिंग द सजेशन व्हिच इज कम फ्रॉम पीपल उनके बेहतरी के लिए। सो इसमें यू टर्न का नैरेटिव हमारे ऊपर डालने वाले से मैं पूछना चाहती हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है यू टर्न का? इसीलिए उस नैरेटिव को आई रिक्वेस्ट द मीडिया, आप भी आगे बढ़ाना है तो समझ लीजिए पहले उसमें सच्चाई है कि नहीं, नहीं तो बढ़ाना बंद करिए। नहीं, नेक्स्ट सेशन वाला अप्रिशिएट भी बहुत किया गया। एक चीज